को मिलना को दृष्टिगत करते हुए हमें कुछ नई बसें मिलने की संभावना है, जिसको लेकर के हम लोग चालकों की भर्ती के लिए तत्पर हैं। जो चालक संविदा चालक के रूप में भर्ती होंगे उनकी अनिवार्य योग्यता यह है कि कक्षा 8 पास होना चाहिए, लंबाई उनकी 5 फीट 3 इंच होनी चाहिए और लाइसेंस हैवी ड्राइविंग लाइसेंस 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। ऐसे जितने अभ्यर्थी आते हैं 29 तारीख को हम लोगों ने भर्ती की तारीख निर्धारित कर रखी है, 29/12 को जितने भी चालक आएंगे उन सबको भर लिया जाएगा। इनको सैलरी जो है 1.36 रूपये पर किलोमीटर मिलता है, 1 किलोमीटर चलने पे 1.36 रूपये इनकी आय होती है। इसके साथ साथ 22 दिन की ड्यूटी 5000 किलोमीटर करने पे इनको 3000 रूपये इंसेंटिव दिया जाता है। कहीं पे भी मुन्नाव से बाहर कहीं पर भी रात्रि विश्राम करने पर इनको 65 रूपये अतिरिक्त रूप से रात्रि भत्ता के रूप में दिया जाता है। इस तरीके से अगर जो चालक सही से काम करता है उसको 12 से 14 हजार रूपये वेतन मिल जाता है। 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले चालकों की 2 कैटेगरी है, जो केवल 22 दिन ड्यूटी और 5000 किलोमीटर वित्तीय वर्ष में करते हैं के हिसाब से, मासिक के हिसाब से वित्तीय वर्ष में करते हैं, उनको 14000 रूपये फिक्स अमाउंट मिलता है। जो 25 दिन ड्यूटी और 6500 किलोमीटर करते हैं वित्तीय वर्ष में प्रतिमाह के दर से, उनको 17000 रूपये फिक्स वेतन मिलता है। स्वर्णिम अवसर है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपके उन्नाव जनपद के जितने भी बेरोजगार ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर हैं वो इस अवसर का उपयोग फायदा उठा सकते हैं और उनको जीविका मिल सकती है।